वेलकम बैक फ्रेंड, स्टडी इंडिया परिवार में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एएलपी सीबीटी 2 स्पेशली एएलपी टेक्नीशियन का सीबीटी 2 एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बेसिक एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है पार्ट ए में, उसमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आज टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जो कि एक पार्ट वन वीडियो अपलोड ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया है। उसका जो है बहुत स्टूडेंट का डिमांड कमेंट आ रहा है कि आप लोग सर आप जो है दोबारा इसका नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए, तो इसीलिए कमेंट ज्यादा डिमांड है, इसी की वजह से मैं इसका कंटिन्यू सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। जो भी इस चैनल पर फर्स्ट और विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना जल्द हो सके रेड कलर के सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल के साथ जुड़ जाओ और सब्सक्राइब करने के बाद इस टाइप का जो है आपका जो दिखने लगेगा सब्सक्राइब बटन, और बेल आइकॉन जो है जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि बेल आइकॉन ऑन रहेगा तभी चैनल का जितना मैं मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ उसका आपको फायदा हो सकेगा। और वीडियो को जरूर से जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक जरूर करना, ठीक है। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। क्या है आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टोटल इसमें जो है टोटल 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। जितना सीबीटी टू बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जितना पार्ट है सिलेबस में रेलवे के अकॉर्डिंग, पूरा जो है सेशन हम लोग एकदम पार्ट बाय पार्ट डेली कवर करेंगे, इसलिए वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहो, ठीक है। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज का टॉपिक है दोस्त ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। आज टोटल हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन को लास्ट तक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइंग होता क्या है, ड्राइंग वर्ड आया किस लिए, इंजीनियरिंग टेक्निकल बैकग्राउंड में ड्राइंग वर्ड आया किस लिए। तो ड्राइंग वर्ड पहले सब लोग ये समझ लो कि ड्राइंग वर्ड होता क्या, ड्राइंग के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि ड्राइंग एक जो होता है टेक्नोलॉजी विधि से जो है हम लोग एक डिजाइन करते हैं, किसी चीज को ड्रा करते हैं। इंजीनियर लोग क्या करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से लेकर इंस्ट्रूमेंट से जो है उसका ड्रा करते हैं, डिजाइन करते हैं। जैसे सिविल इंजीनियर हो गया, क्या करते हैं उन लोग, एक पिक्चर को जो है किसी भी प्लॉटिंग करना होता है, किसी भी घर का डिजाइन बनाना होता है, उसका एक हर एक स्केलिंग किया जाता है, स्केल से उसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को डिजाइनिंग ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। हर एक किस जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार कैसे भी हो सकता है उसके बारे में विचार किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सब में ये सब हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए भाग एक का नाम क्या है। ये जो चित्र है दोस्त, ये फिगर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो आप लोगों को फिगर दिख रहा है, इस फिगर में जो ए दिख रहा है, ये जो फिगर की बात हो रहा है, ये फिगर का नाम क्या है। इसका ऑप्शन गिवन है एवानी बेंटन्स स्ट्रिप्स एंड नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स इस फिगर का जो नाम है दोस्त, स्ट्रिप्स। डायरेक्ट क्वेश्चन में यही पूछ दे सकता है, इस फिगर ये दे सकता है और फिगर का नाम पूछ सकता है, याद कर लीजिए स्ट्रिप्स इस फिगर का नाम है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते रहना, दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए, टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है। ऑप्शन गिवन है जैतून, ओक, बैग, बेल एंड सागवान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त सागवान, टी स्क्वायर जो है सागवान का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और भी हम लोग टी स्क्वायर के बारे में डिस्कस कर लेते थे, टी स्क्वायर होता क्या है। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं एक सिंपल वर्ग में देहाती भाषा में बोला जाता है जो होता है क्या उसको बोलते हैं हथौड़ा, हथौड़ा के नाम आप लोग सुनते हैं, उसी को टी स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है। ये जो होता है टी स्क्वायर मुख्यतः दो भागों में होता है दोस्त, पहला हैंड तथा ब्लेड है, एक हैंड होता है एक ब्लेड होता है, ठीक है। इसमें जो होता है तीन चार स्क्रूओं की सहायता से 90 डिग्री पर ये सेट किया जाता है, ठीक है। इसका एक स्केलिंग याद कर लीजिएगा, इसके ब्लेड की लंबाई जो होता है प्राय 500 mm से लेकर के 1500 mm तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि स्केलिंग इसका पूछ सकता है, 500 mm से लेकर के 1500 mm तक टी स्क्वायर ब्लेड की जो होता है लंबाई होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हैंड का संयोजन किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हैंड का संयोजन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त एवानी, एवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इसी टाइप का क्वेश्चन रेलवे के सीबीटी 2 में आने की उम्मीद है, क्योंकि
जितना भी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, जितना टॉपिक मैं कराऊंगा, आप लोग उतना याद कर लीजिए, क्योंकि याद कर लीजिएगा तो बहुत हेल्प होगा, ठीक है। क्योंकि स्पेशली जो एएलपी का सीबीटी 2 का सिलेबस उसी पैटर्न पे ये बनाया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं, किसी भी कोण एंगल को मापने के लिए क्या हम यूज करते हैं, टेक्निकली भाषा में हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली भाषा में एक होता है सेट स्क्वायर होता है, मिनी ड्राफ्टर होता है, प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त प्रोटेक्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। समानता हम किसी भी कोण एंगल को मापने के लिए प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर के बारे में हम लोग कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये प्रोटेक्टर, क्योंकि हर जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल्स है, ठीक है। प्रोटेक्टर एक पारदर्शक मटेरियल का बना होता है, ठीक है, पारदर्शक मटेरियल का बना होता है, चारों ओर से एंगल इसमें डिवाइड होता है, सेक्टर वाइज सेक्टर ये डिवाइड होता है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। इसका प्रयोग रचनात्मक कार्य करने के लिए किया जाता है और कोनों को एंगल मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह एक वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार दोनों में होता है, ठीक है, 180 डिग्री का एक होता है, एक 360 का होता है, इसीलिए इतना ये प्रोटेक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम लोग अपन पूरा डिस्कस कर लिया है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोण मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंगल है जो मिनी छोटा ड्राफ्टर कोण से बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग अगर आईटीआई किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, डिप्लोमा किए, आप लोग ड्राफ्टर यूज किए होंगे, क्योंकि बेसिक में होता है ड्राइंग जो होता है, हर किसी का जो फर्स्ट ईयर बेसिक होता है उसमें ड्राफ्टर का यूज होता है। तो ड्राफ्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाए दोस्त, निम्न में से कौन सा कोण मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त उपयुक्त में से सभी 30 डिग्री 90 डिग्री 105 डिग्री, जो टोटल जो है हम लोग मिनी ड्राफ्टर से भी स्केलिंग कर सकते हैं, नाप सकते हैं, बना सकते हैं कौन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस वीडियो को जितना लाइक कीजिएगा, तो आप भी एक खुद पॉजिटिव मोटिवेट होइएगा, ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ने सीखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहो और दोस्तों के साथ शेयर करने के मत भूलना, क्योंकि हर किसी के लिए उपयोगी है जो रेलवे सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो इस चैनल पे प्रत्येक दिन पार्ट बाय पार्ट जितना टॉपिक है, हम लोग अपन पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे मैं रेलवे के लिए आप लोग एक बार सिलेबस में देख लीजिएगा, टोटल टॉपिक जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का है, लाइन का, प्रोजेक्शन, व्यू, सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट मेजरमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क पावर, एनर्जी, मास, वेट, डेंसिटी, जितना भी है, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, टोटल अपन जो है इस चैनल पे डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। इस चैनल पे जो बेसिक इंजीनियरिंग का सेकंड पार्ट है, इस वीडियो को कंटिन्यू बने रहे, स्किप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, दिए गए चित्र में कौन जो है अल्फा जो कोण ये है इसका मान क्या है, ये आप लोग अगर ट्रिगो भी पढ़े होंगे तो भी इस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। दिए हुए कोण में जो है अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है कितना एंगल है, ठीक है। अपन ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्त, एंगल ये जो है कितना है, तो अपन ये निकाल सकते हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे ट्रिगो में तो वहां पे आपको पता होगा कि एंगल जो होता है, जो समकोण जो होता है 90 राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, टोटल ट्रायंगल का एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है, यानी टोटल मिलाकर के 45 कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया टोटल अपन 180 होता है, तो ये 90 हो गया, ये अपन ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि जो प्लेन एंगल जो होता है इस पे एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है, आप लोग को याद होना चाहिए ये चीज, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये 180 डिग्री का एंगल होता है, तो 180 डिग्री में ये अपन हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, तो यानी 9 × 3 = 12 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री यानी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री अगर घटा भी देते हैं, 180 डिग्री माइनस कितना 120 डिग्री, तो बच जाता है कितना 60 डिग्री बच जाता है, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 60 डिग्री हो गया, याद कर लीजिएगा। 60 डिग्री आप निकाल सकते हैं एंगल वाइज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको एंगल पूछ देगा, ये एंगल निकालने के लिए ये एंगल गिवन रहेगा, इसका निकालने के लिए गिवन कर देगा, इसलिए इस चीज को आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहो, अगर लाइक नहीं किया तो आप चैनल फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्पेशली जो है रेलवे के लिए सेशन चलाया जा रहा है इस चैनल पे, ठीक है, और जल्द ही जो है इस चैनल पे ऑलरेडी जो है इस पे
करंट अफेयर्स का ऐसा ऐसा सीरीज चलाया गया है जिससे आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। रेलवे एलपी सीबीटी वन बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए उस एक वीडियो से। करंट अफेयर्स का टॉप 500 का सेशन जो है, दो वीडियो अपलोडेड है इसमें, और उसी से हुबहु क्वेश्चन करंट अफेयर्स बहुत से शिफ्ट में आया है। इसलिए इस चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, सेट स्क्वायर की भुजा, सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से, सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है, इसमें सेट स्क्वायर में क्या अंतर आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग सेट स्क्वायर एक इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग देखे होंगे। अगर आप लोग सही से अगर लैब वगैरह किए होंगे, अगर आईटीए किए हैं, अगर बीटेक वगैरह किए हैं, तो सेट स्क्वायर आप लोग जरूर यूज किए होंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवन का जो बोल रहे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सेट स्क्वायर से हम लोग क्या मापते हैं दोस्त, एंगल मापते हैं, कोनों को मापते हैं, ठीक है। सेट स्क्वायर में क्या अंतर आ जाता है, उसमें एंगल कोनों का अंतर डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं, आईएसआई के अनुसार T2 स्क्वायर का मानक आकार क्या है। आईएसआई के अनुसार जो है T2 स्क्वायर का मानक क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 700, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। T2 स्क्वायर का मानक जो है उसका 700 इसका मानक आकार है, याद कर लीजिएगा, ये कांस्टेंट फिक्स है, आईएसआई का द्वारा फिक्स ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण बीमाएं मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण इंस्ट्रूमेंट है जो बीमा मापने के लिए यूज किया जाता है, डायमेंशन मापने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन गिवन है स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राइट आंसर इसका स्केलिंग किया जाता है, प्रोटेक्टर जो होता है, ये क्या बोल रहा है, स्केल से जो है हम लोग बीमाएं मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, स्केल से बीमा मापने के लिए यूज करते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन आ गया है, कंपास के किस लैग में पेंसिल की लीड लगाने की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपास के किस लैग में पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था होती है। आप लोग कंपास जो होता है, टेंथ क्लास तक आप लोग बहुत कंपास का यूज किए होंगे, आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, कमेंट करते रहिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा क्वेश्चन का, जितने क्वेश्चन के उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं वो डिस्क्राइब जरूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको डिस्क्राइब कीजिएगा तो आपको एक फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग आएगा और खुद ब खुद याद होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समंजनीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा समंजनीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर सेट स्क्वायर चांदे तथा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जा सकता है। टी स्क्वायर सेट स्क्वायर और चांद तथा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर अगर यूज किए हुए होंगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि सेट स्क्वायर, चांद भी उसमें होता है इंक्लूड ऑलरेडी, वो जितना होता है मिनी ड्राफ्टर में ये सब इंक्लूड होता है, उसी की हेल्प से हम लोग वो माप कर सकते हैं, मेजरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है। कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कीजिए। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्त 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर अगर बात करें तो 10 mm होता है, याद कर लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS द्वारा डायमेंशन में ही प्रदर्शित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, BIS के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होता है BIS द्वारा डायमेंशन mm में जो होता है प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्त, BIS का फुल फॉर्म भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी रेलवे में फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। BIS का फुल फॉर्म होता है दोस्त ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जितना भी इंस्ट्रूमेंट है उस हर किसी इंस्ट्रूमेंट का एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, फिक्स मानक जो होता है ये दर्शाता है BIS। इसे याद कर लीजिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, सबसे पहले ये जो होता है ISI के नाम से जाना जाता था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता था, इसी को जो है हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद कर लीजिए। कहीं कहीं ISI के जो होता है कांस्टेंट वैल्यू गिवन रहता है, कहीं BIS का गिवन रहता है, ठीक है। इसके अनुसार इंटीग्रेटेड रहता है, फिक्स वैल्यू दिया जाता है, साइज, रेखा का आकार, आवरण, डायमेंशनिंग संबंधित हर सिद्धांत का एक फिक्स वैल्यू ये दर्शाता है। इसीलिए क्वेश्चन में ये पूछ रहा है BIS का डायमेंशन जो होता है MM में दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त,
निम्न में से कौन सा टाइटल व्लॉग में लिखा नहीं जाता। क्वेश्चन ये बोल रहा है निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉग में लिखा नहीं जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी के लिए क्वेश्चन जाना बहुत जरूरी। आप लोग यूज किए हुए होंगे अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीट का आकार। देखिए टाइटल ब्लॉग में किस चीज लिखा नहीं होता है, इसमें का राइट आंसर हो जाएगा सीट का आकार। हम लोग जो है पूरा डिस्कस करने वाले हैं, क्या टाइटल ब्लॉग जो बनाया जाता है उसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं। जो सीट का आकार होता है, इसका जो होता है सीट का आकार जो होता है उसे टाइटल ब्लॉग में नहीं लिखा जाता है, याद कर लीजिएगा। बाकी सीट नंबर, स्केल, दिनांक जो होता है टोटल इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो आपको पता होगा। आप ये जो होता है आप लोग यूज किए हुए होंगे। इसका साइज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, साइज याद कर लीजिए 85 mm से 65 mm इसका साइज होता है। ये BIS के जो है ये फिक्स वैल्यू दिया गया है 85 mm से 65 mm, ठीक है। और ये लिखा कहाँ जाता है दोस्त, ये सीट के जो होता है दाई तरफ लिखा जाता है, कोना में बनाया जाता है, नीचे की तरफ कोना में बनाया जाता है, दाई तरफ याद कर लीजिए। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि टाइटल ब्लॉग जो होता है कहाँ पे बनाया जाता है, तो दाईं तरफ कोना में बनाया जाता है, नीचे की तरफ। इसमें क्या क्या लिखा जाता है ये याद ध्यान दीजिएगा, नाम लिखा जाता है, क्लास लिखा, एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, ध्यान दीजिएगा, नाम, क्लास, रोल नंबर, स्टेशन नंबर, स्केल जिस स्केल का यूज कर रहे हैं वो लिखा जाता है, नेम ऑफ जो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो चीज को डिफाइन किया जाता है, एंड सीट नंबर लिखा जाता है, स्केल लिखा जाता है, एंड चेक बाय लिखा जाता है। चेक बाय भी आप लोग ध्यान दीजिए, चेक बाय भी लिखा जाता है, टाइटल ऑफ सीट भी लिखा जाता है, इतना चीज उस चीज में लिखा जाता है, एक फॉर्मेट है, ठीक है। और इसका जो होता है सेफ साइज होता है 185 mm से 65 mm होता है इसका सेफ साइज, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसमें सिर्फ सीट का आकार जो है नहीं लिखा जाता, इसलिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा चीज नहीं लिखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीट का आकार नहीं लिखा जाता। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्योंकि लाइक कीजिएगा तभी जो है आप लोग को भी पढ़ने में मजा आएगा, हम लोग पढ़ाने भी आप लोग बहुत अच्छा मजा आएगा। हम लोग मिलकर कुछ यूनिक अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टडी इंडिया टीम आप लोग के लिए बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने का कोशिश कर रहा है, इसीलिए चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त व चाप खींची जा सकती है, छोटा कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त व चाप खींची जा सकती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर 25 mm से 50 mm, 25 mm से 50 mm तक जो होता है छोटी कंपास से जो होता है वृत्त का व्यास चाप खींचा जा सकता है, इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जितना भी डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में, इस सेशन में, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन दो से तीन बार, तीन से चार बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा तो कभी नहीं भूल पाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्राइंग बोर्ड पर बटन लगाने का उद्देश्य क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड में बटन लगाने का उद्देश्य क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पट्टियों को सपोर्ट देना। ड्राइंग बोर्ड पे जो बटन लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है, पत्ती को जो होता है उसमें उसको सपोर्ट दिया जाता है उससे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग सीट का माप 194 mm एंड 141 mm होता है, कौन से ड्राइंग सीट का माप जो होता है 194 mm से 141 mm होता है। अपन ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त A1। A1 साइज का जो ड्राइंग सीट होता है, A1 साइज का ड्राइंग सीट उसका जो डायमेंशन होता है 194 mm से 841 mm होता है, याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली ये जो है टेक्निकल बैकग्राउंड से बहुत रेलवे में रिपीट होता है, इसलिए ये सब जितना पढ़ा रहा हूं हर क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्त, हाँ, D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर 1500 × 1000 × 25 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग सीट पर कहाँ बनाया जाता है, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग सीट पर कहाँ बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीचे दाई की तरफ। देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर लिए हैं, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइटल ब्लॉक। आप लोग अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से तो जरूर टाइटल ब्लॉक आप लोग लिखे होंगे ड्राइंग सीट पे, ये जो होता है दाई तरफ नीचे लिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? बड़ा कंपास जो यूज किया जाता है वो कौन से माप के लिए, मापने के लिए जो है यूज किया जाता है? इसका अपन राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, जिसकी त्रिज्या 50 mm से अधिक है उसमें बड़ा कंपास का यूज किया जाता है, टाइट जो होता है वृत्त खींचने के लिए यूज किया जाता है, सर्कल खींचने के लिए यूज किया जाता है, जिसका त्रिज्या 50 mm से अधिक है उसमें यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चैनल के साथ आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना एएलपी सीबीटी 2 का जो सिलेबस है पार्ट बी का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल का, टोटल इस चैनल पर कराया जाएगा, ठीक है। और जो सिलेबस रेलवे दिया वही सिलेबस पे पूर्णतः नया सिलेबस में जो है आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता लग ही जाएगा कि कितना जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये सेशन रहा होगा। आप लोग जरूर कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा कैसा सेशन रहा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 45-45 और 90 डिग्री कोनों के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 45-45 और 90 डिग्री कोन के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त 20 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या कहते हैं? अगर देखिए टोटल जितना डिस्कस हो रहा है, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो हर चीज आपको पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। सिर्फ एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, रिवाइज कर लीजिएगा तो वो खुद ब खुद दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग बोर्ड ये सब हम लोग पूरा यूज किए हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आप लोग हैं तो यूज जरूर किए होंगे, अगर आईटीआई से है तो भी आप लोग ये सब यूज किए होंगे, स्केलिंग अगर वर्कशॉप वगैरह लगाए होंगे तो। ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवोरी, इसको बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, सिंपल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइजन्स ऑफ माइंड देख चेक कर रहा है क्वेश्चन में। टी स्क्वायर अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह दिखता है। टी स्क्वायर कैसा रहता है? ऐसे रहता है, टी की तरह रहता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसआई के अनुसार A3 ड्राइंग शीट का माप क्या है? आईएसआई के अनुसार A3 ड्राइंग शीट का माप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A1, A2, A3 जितना है, A4 सीरीज जो ड्राइंग सीट है, हर किसी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू भी डायरेक्ट आपको से पूछ सकता है, ठीक है। ISI के अनुसार A3 ड्राइंग सीट का माप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, 297 mm × 420 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बात करते हैं, हम लोग जो पेंसिल यूज करते हैं हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए, उसका क्वेश्चन आ गया। 4H, 5H से लेकर के 9H किस पेंसिल का उदाहरण है? देखिए आप लोग पेंसिल जो ड्राइंग शीट में यूज करते होंगे तो पेंसिल पे 4H, 5H करके 5B, 2B, A करके ऐसे करके लिखा हुआ उसका कोडिंग रहता है। हर कोडिंग का अलग अलग मतलब है, ठीक है। अगर 4H, 5H, 9H अगर H सीरीज में लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि हार्डनेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। H हार्डनेस को डिनोट करता है, B ब्लैकनेस को डिनोट करता है, 4B, 2B ऐसे रहता है वो ब्लैकनेस को डिनोट करता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है 4H, 5H से लेकर के 9H किस पेंसिल का उदाहरण है, इसका राइट आंसर को देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा कठोर पेंसिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। H4 हार्डनेस होता है इसलिए कठोर पेंसिल का ये उदाहरण है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने से आप मोटिवेट होइएगा, खुद खुद एक अंदर एक आप लोगों के लिए पॉजिटिव फीलिंग आएगा, याद करने मजा आएगा, ठीक है। सेशन को एंजॉय करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड के नाम से सही साइज का मिलान कीजिए। देखिए हर किसी का अलग अलग डायमेंशन हम लोग बात कर रहे थे, उसी पे एक और क्वेश्चन आ गया, ड्राइंग बोर्ड के जो है सही साइज का मिलान कीजिए। अपन मिलान करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक का दू देख होगा, हाँ ये जो है ए का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डी जीरो का हो जाएगा 1500 × 1000 × 25। उसी तरह से बी का 4 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा
फोर हो जाएगा। डी वन साइज का क्या होता है, 1000 गुने 700 गुने 25 होता है। उसी तरह से सी वन का क्या हो जाएगा, सी वन का 1 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। डी टू साइज का होता है 700 गुने 500 गुने 15, ये साइज आप लोग याद कर लीजिएगा, याद बहुत इंपॉर्टेंट है। डी थ्री की बात करते हैं तो डी थ्री साइज का होता है 500 गुने 350 गुने 15, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 75 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्किप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन है दोस्त, ड्राइंग शीट A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है। ड्राइंग शीट A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है, इसका मतलब क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त गलत है, A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ड्राइंग बोर्ड D2 का आकार कौन सा होता है, D2 साइज का ड्राइंग बोर्ड का आकार क्या होता है। इसका राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 700 गुने 500 गुने 15 mm होता है, ठीक है। 700 गुने 500 गुने 15 mm इसका होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण तीनों को खींचा जा सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जितना इंस्ट्रूमेंट बता रहे हर किसी टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट यूज किए होंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण तीनों को खींचा जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर से जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हर तरह का जो है एंगल बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है, टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है, क्षैतिज रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं, मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं, इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर 3 इसका होता है, मिनी ड्राफ्टर 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र में प्रदर्शित भाग पी का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा, ठीक है। टीम जो चित्र में जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर का नाम क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन में रेलवे में पूछ सकता है, फिगर दे देगा, इस फिगर का नाम पूछ देगा, कभी कभी एंगल पूछ सकता है, ठीक है। एंगल तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 हो जाएगा, टोटल 180 होता है, ठीक है। ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। पी का नाम पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लेड, ठीक है। ये जो है ब्लेड का सिंबल है, ठीक है। चित्र प्रदर्शित भाग पी का नाम क्या है, ब्लेड का ये सिंबल है। 32 जो है ये 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर के तीन कोनों का योग कितना होता है, सेट स्क्वायर का तीनों कोनों का जो तीनों एंगल होता है उस कोनों का एंगल क्या होता है टोटल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री होता है, तीनों का 180 डिग्री होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता, मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त कंपास। मिनी ड्राफ्टर से टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल सब यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपास उसमें नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से चित्र एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या होगा, ऑप्शन गिवन है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसका राइट आंसर की ओर बात करते हैं दोस्त, राइट आंसर इसका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका 60 डिग्री हो जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का यूज किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में जितना क्वेश्चन, अगर हर क्वेश्चन का अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट करने से आपको याद रहेगा, हर हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का यूज किया जाता है, इसका राइट आंसर की ओर बात करते हैं दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पेंसिल। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग जो है मध्यम पेंसिल का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। पेंसिल को कितने भागों में बांटा गया है, पेंसिल को कितने भागों में बांटा गया है, इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया है। टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर कौन सी रेखाएं नहीं खींची जा सकती है, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर जो है दोनों इंस्ट्रूमेंट को मिलाकर कौन सी रेखा नहीं खींची जा सकती है, इसका करेक्ट आंसर की ओर बात करते हैं दोस्त। इसका करेक्ट आंसर वक्र रेखा नहीं खींची जा सकती, खड़ा रेखा खींचा जा सकता है, लंबवत खींचा जा सकता है, क्षैतिज खींचा जा सकता है, लेकिन वक्र रेखाएं नहीं खींचा जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर वक्र रेखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से पी का वैल्यू, ऑलरेडी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिए, जरूर से जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है, इसका राइट आंसर की ओर बात करते हैं, तो राइट आंसर हो जाए ग्रेफाइट की। इस क्वेश्चन का कमेंट हर एक किसी से आना चाहिए क्योंकि बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी ने यूज किए होंगे अगर स्टूडेंट लाइफ में, पेंसिल तो हर कोई यूज करता है दोस्त, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। पेंसिल की लीड जो होती है किस चीज का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, दिए गए उपकरण का नाम बताएं, ये उपकरण आप लोग यूज किया है, किए हैं इस उपकरण का जरूर से जरूर कमेंट में नाम बताइए, ठीक है। ये जो आप लोग जरूर यूज किए हैं आप लोग इसका नाम बताइए, क्या ये फिगर में जो दिख रहा है आपका, ये फिगर क्या है, किस चीज का फिगर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसका कमेंट जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। दिए गए उपकरण का नाम बताइए, इसका नाम है दोस्त, नाम की बात करते हैं तो ये चांद इसको बोला जाता है, हर किसी ने देखा है, हर किसी ने यूज किया है, इसीलिए कमेंट जरूर कीजिए, ये जो उपकरण है क्या है, ये चांद है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, प्रोटेक्टर का प्रयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिग्री में कोण को मापने के लिए प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है, डिग्री में एंगल कोण को मापने के लिए प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेंच कर्व है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेंच कर्व है, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंच कर्व, इसका भी आप लोग कमेंट दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर इस क्वेश्चन कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। न्यू में से कौन सा फ्रेंच कर्व है, इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्त, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ये जो फिगर है फ्रेंच कर्व का फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका फिगर दे देगा, पूछ देगा ये कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा कर्व है, इसलिए याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है, कठोर पेंसिल, हार्डनेस पेंसिल की बात हो रहा है दोस्त, याद कीजिएगा, आपको जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हार्डनेस पेंसिल का क्या कोडिंग होता है, हार्डनेस पेंसिल, इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिए, सेक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है दोस्तों, इनर्जेटिक होकर पढ़िए तो आपको याद करने मजा आएगा, ठीक है, इसलिए हमेशा इनर्जेटिक रहिए, जब इस चैनल पे वीडियो देखने के लिए स्टार्ट कीजिए एकदम खुद ब खुद इनर्जेटिक होकर के पढ़िए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है, बात करता है दोस्त कठोर पेंसिल की बात कर रहा है, तो 9H जो है कठोर पेंसिल है, ठीक है, 9H जो पेंसिल है कठोर पेंसिल है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस साधन का उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के काम में नहीं आता है, निम्न में से किस साधन का उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के काम में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निम्न में से किस साधन का उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने में काम में नहीं आता है, इसका राइट आंसर अपन देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डिवाइडर, डिवाइडर का उपयोग जो है दोस्त ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने में काम नहीं आता है, ठीक है, डिवाइडर का अलग ही रोल होता है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल जितना कठोर होता है उतना क्या होता है, दोस्तों इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, पेंसिल जितना कठोर होता है उतना फिल इन द ब्लैंक्स क्या निखरता है, इसका राइट आंसर की ओर अपन बात करते हैं, तो इसका जो है हल्का निखरता है, ठीक है, पेंसिल जितना कठोर होता है उतना हल्का, सॉरी यहां पे उच्चारण थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, पेंसिल जितना कठोर होता है उतना क्या फिल इन द ब्लैंक्स है, निखरता नहीं लिखाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पेंसिल जितना कठोर होता है उतना क्या होता है, लिखाता है, फिल इन द ब्लैंक्स लिखाता है, ठीक है, पेंसिल जितना कठोर होता है उतना हल्का लिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कीजिएगा, ठीक है, वीवीआई इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, पेंसिल जितना कठोर होता है उतना हल्का लिखाता है, हार्डनेस पेंसिल जो होता है हल्का लिखाता है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में 45 डिग्री के सेट स्क्वायर में बने कोण एक्स का वैल्यू कितना होगा, सेट स्क्वायर का फिगर देख सकते हैं, यही होता है सेट स्क्वायर, ठीक है, चित्र में 45 डिग्री के सेट स्क्वायर में बने कोण एक्स का मान पूछ रहा है दोस्त, ये एंगल पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, ठीक है, आप लोग मैथ्स अगर पढ़े हैं तो मैथ्स का तो ऑलरेडी स्टूडेंट हर कोई जानता है, इसलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। चित्र में 45 डिग्री के सेट स्क्वायर में बड़े कोण एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर की ओर बात करते हैं दोस्त, राइट आंसर इसका हो जाएगा 135 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 135 इतना 90 हो जाएगा, ये 45 यानी 135 डिग्री का ये एंगल है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटल ब्लॉक का माप, टाइटल ब्लॉक का क्या माप होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए। ठीक है, टाइटल ब्लॉक का माप पूछ रहा है दोस्त, टाइटल ब्लॉक का माप होता है 65 × 180 mm होता है, 65 × 185 mm होता है, सॉरी 185 mm होता है, याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी ड्राफ्टर का स्केल का कोण कितने डिग्री का होता है, मिनी ड्राफ्टर के स्केल का कोण कितने डिग्री का होता है, इसका राइट आंसर जो होता है दोस्त 90 डिग्री होता है, मिनी ड्राफ्टर का जो स्केल का कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण जेड का कितना होता है, कोण जेड का वैल्यू पूछ रहा है, कोण जेड का वैल्यू बताइए, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोण जेड का वैल्यू पूछ रहा है दोस्त, कोण जेड का वैल्यू हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, कोण जेड का वैल्यू 150 हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग शीट 594 × 841 के बाद कौन सा साइज होता है, 594 × 841 के बाद अपर साइज पूछ रहा है दोस्त कौन सा होता है, इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो 420 × 594 होता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग वृत्त बनाने के लिए किया जाता है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ये क्वेश्चन को हर किसी ने यूज किए होंगे। सामान्यतः निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग वृत्त बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो कंपास, कंपास का यूज होता है वृत्त बनाने के लिए यूज किया जाता है, हर किसी ने यूज किया होगा, इसलिए कमेंट जरूर इस क्वेश्चन का जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे नरम पेंसिल कौन सा है, नरम पेंसिल की बात हो रहा है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका कमेंट जरूर कीजिए, जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्त, 7B जो होता है ये सबसे नरम पेंसिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सेट स्क्वायर के मदद से कौन सा कोण बनाया जाता है, तब आपको पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दो सेट स्क्वायर को मिला करके ये जो है कोई एंगल बनाया जा रहा है, उस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये एंगल देखिए चित्र में फिगर में देख सकते हैं, दो सेट स्क्वायर को मिला करके एक जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है, इस एंगल का वैल्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एंड जो है हर किसी को यूज किया हुआ ये एंगल है। ठीक है, आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो अब ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्त, त्रिकोण के लिए आप लोग ये एंगल बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर इस क्वेश्चन का एंगल बताइए क्या है, जो इसका एंगल है जो दोस्त 105 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 105 डिग्री का एंगल है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4H 5H से लेकर के 9H को पेंसिल होती है, ऑलरेडी आप लोग हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, इसका कमेंट जरूर से जरूर दीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कठोर पेंसिल, हार्डनेस देख सकते हैं इसका कोड वर्ड हार्डनेस, इसका कठोर पेंसिल है, पेंसिल में एज का मतलब हार्डनेस है, देख सकते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भाग की टी स्क्वायर से संबंध नहीं है, टी स्क्वायर से संबंध नहीं है पूछ रहा है दोस्त, इसका राइट आंसर की बात करते हैं एवानी, एवानी का जो है टी स्क्वायर से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइंग बोर्ड के बराबर, ड्राइंग बोर्ड के बराबर टी स्क्वायर की जो होती है लंबाई होती है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कोण सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, निम्न में से कौन सा कोण सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इसका भी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट दीजिए। ठीक है, अगर इसका आंसर जान रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 15 डिग्री का एंगल जो है सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस चैनल के साथ बने रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि टोटल ALP CVT 2 का जितने भी टॉपिक है रेलवे के थ्रू जो प्रोवाइड कराया गया है पूरा टॉपिक जो है अपन डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, इसका जो है CVT 2 का सेकंड वीडियो है, कल जो है पार्ट थर्ड वीडियो जो है अपलोड करूंगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टर, जिसको चांद बोला जाता है, प्रोटेक्टर किस आकार का होता है, प्रोटेक्टर किस आकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त अर्धवृत्ताकार होता है, प्रोटेक्टर की बात करते हैं तो अर्धवृत्ताकार होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, प्रोटेक्टर हर किसी का एंगल डिवाइड होता है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। H 2H तथा 3H पेंसिल होता है, कमेंट कीजिए, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है टॉपिक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त H 2H 3H जो होता है ये जो होता है कठोर पेंसिल होता है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना जो है छोटी वस्तु को बड़ा करने में यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तारक पैमाना। विस्तारक पैमाना को छोटी वस्तु को बड़ा यूज करने में यूज किया जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारक पैमाने के निरूपक भिन्न को कहा जाता है। विस्तारक पैमाने के निरूपक भिन्न को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त x रेशियो वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी मशीन को ड्राइंग किस पैमाने से बनाई जाती है। बड़ी मशीन की ड्राइंग किस पैमाने, किस इंस्ट्रूमेंट, किस उपकरण से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त लघुकरण पैमाना। लघुकरण इंस्ट्रूमेंट उपकरण से जो है हम लोग ड्राइंग मशीन जो होता है, बड़ा ड्राइंग मशीन, बड़ी मशीन की ड्राइंग जो है लघुकरण पैमाना से हम लोग बनाया जा सकता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुकरण पैमाना का निरूपक अंश होता है। लघुकरण पैमाना का निरूपक अंश होता है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं, एक होता है। राइट आंसर इसका एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किलोमीटर। इस क्वेश्चन का हर किसी का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। कमेंट जरूर इस क्वेश्चन का दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर मीटर होता है। इस क्वेश्चन का कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, इसका क्वेश्चन में जरूर आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर को हम लोग बढ़ते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है। एक किलोमीटर वाला बराबर याद कर लीजिए 10 हेक्टोमीटर होता है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुपात 1:x किस प्रकार के पैमाना है। अनुपात 1:x किस प्रकार के पैमाना है। इसका राइट आंसर लघुकरण पैमाना, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु ज्ञात होना आवश्यक है। किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु क्या ज्ञात होना आवश्यक है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, पैमाना का निरूपण भिन्न होना चाहिए। पैमाना का निरूपण भिन्न होना चाहिए। पैमाना द्वारा दिखाई जाने वाले अधिकतम लंबाई होना चाहिए। मानक मापन की इकाइयां, ये सब जो है किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु ये सब आवश्यकता पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पैमाने का निरूपक भिन्न 30:1 हो तो पैमाना कहलाता है। किसी भी पैमाना का निरूपक भिन्न 30:1 हो तो पैमाना कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तारक पैमाना कहलाता है, उसको विस्तारक पैमाना बोला जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना कहलाता है। बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त लघुकरण पैमाना। लघुकरण पैमाना से जो है बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना इसको बोला जाता है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BIS के अनुसार मुख्यतः आकार के आधार पर कितने प्रकार के पैमाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 3। BIS के अनुसार जो है मुख्यतः आकार के 3 प्रकार के पैमाना का यूज किया जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है। जब बना हुआ ड्राइंग साइज जो है वस्तु के आकार के बराबर हो तो पैमाना कहलाता है। हर किसी ने ये सब यूज किया है दोस्त, कमेंट में जरूर इस वीडियो को जितना क्वेश्चन है हर किसी ने जो है ये जो क्वेश्चन बना है हर किसी ने यूज किया है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। कमेंट करने से आप खुद एक सेल्फ मोटिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव फीलिंग आएगा, तो सेशन वीडियो का सेशन एंजॉय करने में मजा आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त पूर्ण आकार का पैमाना इसको बोला जाता है, ठीक है, पूर्ण आकार का। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने हेतु कौन से पैमाने प्रयोग करते हैं। घड़ी के पुर्जे को बनाने हेतु कौन से पैमाना यूज करते हैं। इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इसका लघुकरण पैमाना। घड़ी के पुर्जों को ड्राइंग बनाने के लिए लघुकरण पैमाना का यूज करते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरूपक भिन्न में 20 सेंटीमीटर की दूरी को 1000 मीटर को प्रदर्शित करती है, तब RF बराबर क्या होगा। RF बराबर क्या होगा। इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्त, RF बराबर हो जाएगा 1/500। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से निरूपक भीन का क्या नहीं होता, निम्न में से निरूपक भीन का क्या नहीं होता। दोस्तों इसी टाइप के रेलवे में टेक्निकल क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इकाई। निम्न में से निरूपक भीन का क्या नहीं होता, इकाई उसमें नहीं होता निरूपक भीन का। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ण आकार पैमाना का आरएफ होता है, पूर्ण आकार पैमाना का आरएफ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:1। पूर्ण आकार पैमाना का रेशियो होता है 1:1, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी एंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। पैमाने का निरूपक भिन्न निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पैमाने का निरूपण भिन्न निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसका नोट डाउन कर लीजिए, इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका नोट डाउन कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप, लिख लीजिए, ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप बटा जो होता है वस्तु की वास्तविक माप, ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप बटा वस्तु की प्रदर्शित माप, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये वीडियो बहुत अच्छा सेशन को एंजॉय किए होंगे। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, ठीक है। कल जो है हम लोग दोस्त नेक्स्ट पार्ट थर्ड वीडियो जो लाऊंगा उसमें हम लोग लाइन रेखाएं से जो है जो लाइन जो टॉपिक है एलपी का सिलेबस में वो उससे जो टोटल 75 क्वेश्चन जो है उसमें भी डिस्कस करूंगा। इसीलिए जो है कल भी सेशन को एंजॉय जरूर कीजिएगा। कल अप्रोक्स शाम को इवनिंग में 6 से 7 बजे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें और दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।